नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ टीम लिस्ट, जो बहुत इजी है, आप सब लोग घर पर भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसे खड़े रहेंगे, थोड़ा उस साइड घूम जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले हम हाथ की मूवमेंट सीख लेंगे, उसको 2 टाइम घुमाना ऐसे 1 2, वापस एक बार 1 एंड 2। अब 2 क्लैप लगाना है ऊपर 3 4, वापस एक बार करेंगे 1 2 3 4, सेम स्टेप उस साइड करेंगे 5 6 7 8, एक बार पूरा स्टेप करके दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उसके आगे हमारा सेकंड स्टेप होगा, तो सबसे पहले हम ऐसे खड़े रहेंगे और हमारा ये राइट लेग है, उसको सिर्फ टच करना है आगे 1 2, वापस 3 4। अब हमारा लेफ्ट लेग इधर जाएगा ऐसे 5 6 7 8, फिर से एक बार करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। उसके साथ हाथ को हम हिला भी सकते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोनों स्टेप एक साथ करेंगे, ठीक है, पहले हमने सीखा था ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारा ये 2 स्टेप ख़त्म होने के बाद हम तीसरा स्टेप करेंगे, तो सबसे पहले राइट लेग से शुरुआत करेंगे, ऐसे आगे रखना है 1 फिर 2 फिर 3 एंड 4th में उसके बगल में रख देना है। ठीक है, वापस एक बार दिखाता हूँ ऐसे 1 2 3 4। हाँ, हम हाथ को नॉर्मल रख सकते हैं, ठीक है, और चलते हैं ना ऐसे ऐसे 1 2 3 4, नॉर्मल से चलना है, रोबोट के जैसा नहीं चलना है। ठीक है, अभी मेरा एक केबल है ना, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है बोलने में। फिर से एक बार दिखा देता हूँ ऐसे 1 2 3 4, फिर 2 जंप लगाना है, कैसे पीछे जाना है, दोनों पैर एक साथ रहेंगे ऐसे 1 एंड 2, हाथ को हम दीवार पे जैसे पुश करते हैं ना ऐसे 1 एंड 2, ऐसा 2 जंप लगाना है। ठीक है, वापस पूरा स्टिप करके दिखाता हूँ ऐसे 1 2 3 4 एंड जंप एंड जंप। तो हमारा तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया है, अब यहाँ ख़त्म हुआ था 1 2, फिर हमको इस साइड घूमना है। ठीक है, लेकिन हम आसानी से नहीं घूमेंगे, उसको क्या जंप के साथ घूमेंगे, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसे करेंगे 1 एंड 2, फिर यहाँ आने के बाद हमारा ये पूरा स्टेप कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ख़त्म हुआ है, तो वापस से वही स्टेप करना है, पहले जो किया था ना हमने हैंड वाला ऐसे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ले गएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, अब आगे वॉक करना है। ठीक है, 1 2 3 4, जंप एंड जंप, फिर जंप एंड जंप, ऐसे करके हमको चारों ओर घूम जाना है। ठीक है, तो आपको मैंने अभी ये पूरा स्टेप कंप्लीट करके दिखा दिया है, तो आप सॉन्ग के साथ प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा सा इम्प्रूव ला सकते हैं। ठीक है, हाँ, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी होगी तो बहुत अच्छे से कर पाओगे विथ म्यूज़िक के साथ। तो चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।